दोस्तों भारत की 3 सबसे तेज चलने वाली ट्रेन के बारे में बताता हूँ और पहले नंबर को तो बिल्कुल भी मत मिस करना, उसकी स्पीड देख के तो मजा ही आ जाएगा। इसमें नंबर 3 पे आता है हबीबगंज दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन और नई दिल्ली के बीच ये चलती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 150 किलोमीटर प्रति घंटा है। और दूसरे नंबर पे आता है गतिमान एक्सप्रेस। ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। इसका अधिकतम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये ट्रेन दिल्ली से झांसी के बीच चलती है और इस ट्रेन में HLB कोच लगे हुए हैं और WAP-5 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन के साथ ये ट्रेन चलती है। तो नंबर 1 पे आता है वंदे भारत एक्सप्रेस यानी ट्रेन 18। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। ये ट्रेन 18 का मॉडल है। इसकी अधिकतम स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी स्पीड 130 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया। तो दोस्तों आप इनमें से कौन सी ट्रेन में सफर करना चाहोगे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो।